बहुत अच्छे से आपने बताया। सती जी एक बात बताइए, इस देश के अंदर आज महिला अपने आप में इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी गाय सुरक्षित मानी जाती है, तो गाय को सुरक्षित होना चाहिए या महिलाओं को सुरक्षित होना चाहिए? क्या नजरिया है इसके बारे में आपका? ये बीजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि आज इस देश में बहन बेटी के बलात्कार हो जाएं कोई बात नहीं, गाय बचनी चाहिए। अखबारों में रोज आता है किसी ना किसी बहन बेटी का बलात्कार होता। आगरा की घटना, सांजलि को जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन अगर गाय मर जाए तो बुलंदशहर में अगर किसी पुलिस वाले की बलि देनी हो तो पुलिस वाले को मार दिया जाएगा, लेकिन गाय को बचाने की पैरवी की जाएगी। इतनी घटिया हरकतें हुई हैं केवल गाय की वजह से। हरियाणा सरकार ने गो रक्षा दल बनाया, हरियाणा सरकार ने, ये मनोहर लाल खट्टर ने बनवाया है। गो रक्षा दल का काम क्या था कि वो गायों को बचाएंगे। गाय इनकी माँ है, एक गाय को माँ कहते हैं। एक बार सांड को भी पापा कह के देखो, उसका भी मन रह जाएगा। लेकिन गाय के लिए इतनी ज्यादा इनके मन में जो भावना है, मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। पर उसके वो बताता हूं क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट्स 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 क्या रहे। गायों की हत्या गाय के मांस के लिए कम होती है, गायों की हत्या उसके चमड़े के लिए ज्यादा होती है। क्योंकि चमड़ा, चमड़े के जूते बनते हैं, चमड़े के बेल्ट बनते हैं, चमड़े के बैग बनते हैं, चमड़े के बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत विश्व के चमड़ा एक्सपोर्ट करने में टॉप 5 में है। पिछले कई सालों में इस साल चमड़े का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है भारत में। और मजे की बात यह है, गाय की खाल को उतारकर चमड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्री है, 80% हिंदुओं की और केवल 20% मुसलमानों की। आप समझ पा रहे हैं? तो गायों का हत्या केवल और केवल खाने के लिए नहीं होती। और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो लोग खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। यार एक बात बताओ, मुस्लिम समाज जो बचपन से गाय का मीट खाता आ रहा हो, उसे उत्तर प्रदेश में कि अब तो गाय का मीट नहीं खाएगा भाई, गाय बीफ बंद है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गाय खाना अपराध है, लेकिन केरल में अपराध नहीं है भैया। नॉर्थ ईस्ट में जाके गाय नहीं मिलती, वहां तो कुत्ता भी खा जाते हैं, वहां गाय खाई जा रही है, तो वहां कोई अपराध नहीं है। केरल में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराध है। क्यों भाई? मतलब उत्तर प्रदेश में तो गाय तुम्हारी माँ है और केरल में तुम्हारी माँ नहीं रहती हो, केरल में जाके कोई जानवर हो जाती है। मेरे मस्तिष्क के अनुसार बिल्कुल क्लियर है, गाय एक जानवर है। जानवर जैसे घोड़ा है, जैसे कुत्ता है, जैसे सुअर है, वैसी गाय भी है। गाय कोई माता नहीं है। और अगर तुम्हें इसमें देवी दिखाई देती है तो तुम इसे देवी मानो यार, तुम्हें कौन मना कर रहा? दूसरे के ऊपर क्यों ठोक रहे हो, क्यों ठोक रहे हो दूसरे के ऊपर? तुम अब इसे अपनी माँ मानते फिरो, और इतना बढ़िया देवी माना है आपने, इतनी बढ़िया माँ मानी है, सड़कों पे घूमती रहती तुम्हारी माँ, घूमती रहती, एक्सीडेंट हुआ था रोड पर, तुम अपनी माओ की चिंता नहीं है। ओ भोपाल में गौशाला में कई हजार गायें केवल इस वजह से मर गई कि उन्हें सही समय पर खाना दाना नहीं दिया गया। तो कैसी माँ है भाई? अगर तुम्हें अपनी माँ की चिंता है तो तुम चिंता करो भाई, हमारे ऊपर मत थोपो। गायों के ऊपर तुमने बहुत लिंचिंग करा ली, समाप्त करो ये सारी घटना। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं।